नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमईजी 08 यानी कि न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो मेन सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में इस बार पूछे जा सकते हैं, जिनके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं इस बार, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, नोट ऑन द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैरेबियन लिटरेचर। आपको कैरेबियन लिटरेचर के ओरिजिन के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में बताने हैं कि कब उसका ओरिजिन हुआ, कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, कौन कौन से राइटर्स ने इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो वो आपको पूछा जा सकता है इस बार। एंड सेकेंड, आपको ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, कॉमनवेल्थ लिटरेचर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में ये पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो कि है डिस्कस द टाइटल ऑफ द नॉवल अ ग्रेन ऑफ व्हीट। इसमें आपको टाइटल की डिस्क्रिप्शन देनी है। एंड सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, या तो ये होगा या तो नीचे वाला होगा, क्रिटिकल नोट ऑन द थीमेटिक कंसर्न्स इन अ ग्रेन ऑफ व्हीट नॉवल। तो आपको थीम्स भी पढ़ के जानी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिग्निफिकेंस ऑफ द प्ले विद इन अ प्ले इन सोइंग कार्स अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम आपको यही पूछा गया है, लेकिन हो सकता है इस बार ये ना भी पूछा गया हो। तो आपको थीम्स, प्लॉट एंड नरेटिव टेक्निक्स जो है वो पढ़ के जानी है अ डांस ऑफ द फॉरेस्ट नॉवल की। तो क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो आपका मैक्सिमम आइस कैंडी मैन नॉवल से पूछा जाता है। तो इससे आपके दो क्वेश्चन हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं इस बार। फर्स्ट है रोल ऑफ द वुमेन कैरेक्टर इन आइस कैंडी मैन। आपको वुमेन कैरेक्टर को पढ़ के जाना है, उसका क्या रोल रहा है पूरे इस नॉवल में। एंड सेकेंड है मेन थीम्स ऑफ आइस कैंडी मैन नॉवल, इसकी थीम्स भी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आप करके जाओ, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका श्योरली इस बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला है एनालिसिस ऑफ नाइपॉल्स अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास एज अ डेस्पोरिक नॉवल। एंड सेकंड है सिग्निफिकेंस ऑफ हनुमान हाउस इन द नाइपॉल्स अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। यानी कि आपने अगर ये नॉवल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि हाउस फॉर मिस्टर विश्वास में एक हनुमान हाउस है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है, जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। इन दोनों में से आपको एक पूछा हो सकता है इस बार के एग्जाम में। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर, जो कि आपका मैक्सिमम आपके पोइट्री सेक्शन से आता है। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये तीन क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस हैं, इन तीनों में से कोई एक आया होगा। तो फर्स्ट है राइट अ नोट ऑन द ओरल रिदम्स एम्प्लॉयड बाय कमाऊ ब्रैथवेट। एंड सेकंड आपका हो सकता है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ डेरेक वॉलकॉट्स पोएम नेम्स। ये मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर किसी ने नहीं देखी है तो आप जाकर चेकआउट कर लेना, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड थर्ड क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, डज कैरेबियन पोइट्री रिफ्लेक्ट्स द रीजन्स एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनाइजेशन, गिव एग्जाम्पल फ्रॉम पोएम्स इन योर सिलेबस। आपको अपने पोएम्स की एग्जाम्पल देने हैं जो आपको एमईजी 08 के सिलेबस में है, उन्हीं का एग्जाम्पल यहाँ पर देना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, तो यहाँ पर भी आपके दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड क्वेश्चन नंबर सेवन भी आपका मैक्सिमम द सॉलिड मंडाला नॉवल से ही आता है। तो पहला है यूज ऑफ मिथ्स एंड सिम्बल्स इन पैट्रिक फाइट्स द सॉलिड मंडाला, ये तो इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद नेक्स्ट आपको पूछी जा सकती है थीम्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड स्ट्रक्चर इस नॉवल का, द सॉलिड मंडाला का। तो आपने ये करके जाने हैं, ये दो ही क्वेश्चन हैं जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस नॉवल के। एंड जो क्वेश्चन नंबर एट है वो आपका आता है द स्टोन एंजल से। तो आपके इससे भी दो क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पहला है द सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट फॉर हैगर इन द स्टोन एंजल, ये वैसे काफ़ी रिपीट हुआ है। एंड सेकेंड है कैरेक्टर स्केच ऑफ हैगर इन द स्टोन एंजल। तो आपको जो हैगर, जो इस नॉवल की एक फीमेल कैरेक्टर है, उसका कैरेक्टर स्केच जो है डिटेल में पढ़ के जाना है, वो भी पूछा जा सकता है। तो ये कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो इस बार के एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड भी यही है, एंड लास्ट आवर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, लास्ट मोमेंट पे कर रहे हो, तो आप इनको भी कर लोगे तो आपका एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।